पिछले 5 साल मेरे बहुत अच्छे गए थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उससे दोबारा मिलने वाली हूँ। गुड आफ्टरनून मैरिनेट। हाँ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई पार्टी के लिए? हाँ, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे नहीं जाना है। तुम जानती हो ना ये पार्टी उसके लिए है। मैरी, तुम जानती हो ना कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। तुम्हारे पापा ने वहाँ पहले ही बोला है कि तुम आने वाली हो। आज रात के लिए ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम जानती हो ना मेरा बचपन कितना गंदा गया था उस लड़की की वजह से। पर अब तो तुम बच्ची नहीं रही ना, तुम 21 साल की हो चुकी हो। उसे दिखाओ कि तुम कितनी इंडिपेंडेंट बन चुकी हो। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ओके गर्ल, अब शांत रहो। एक अच्छे से लड़की ने, हैंडसम से लड़की ने तुम्हें बचा लिया है। थैंक यू की जगह हम डांस कर सकते हैं। रुको, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो प्लीज? वेल, मैं फेलिक्स हूँ। क्या? यानी वो मैरिड थी। नॉट फनी। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी बेटी के बारे में पता होगा। ये मजाक तो नहीं चल रहा मेरे साथ? गुड मॉर्निंग योर हाईनेस। बोलना तुम भूल गए ना? क्या मैंने सही सुना? क्या तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं एक राजा की बेटी हूँ तो तुम्हें मुझे अच्छे से ग्रेड करना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी नहीं बदली, और मुझे लगा कि 5 साल में तो हम दोनों ही बदल गए होंगे। चलो वहीं से शुरू करते जहाँ से हमने इसे छोड़ा था। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ प्रिंसेस। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने के लिए? इसको पता है ना कि मुझे ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या और कुछ भी है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो मेरे बारे में? या मैं इसे जाने दूँ और अपना काम करूँ? कर दिखाया। कर दिखाया। मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। रुको। मुझे जानने की जरूरत है कि तुम हो कौन। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूँ। टीकी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें भी कोई हक नहीं है उसे देखने का। हाँ, क्या तुम्हारी कॉमी ने मुझे देख लिया है? फिर तो कोई रीजन नहीं बनता छुपाने का। ये कोई बहाना नहीं है। मैं तुम्हें नहीं देख सकता पर तुम्हारी कॉमी ने तो मुझे देख लिया है, फिर तो तुम्हें भी मुझे देखना होगा। ऐसा सोचना भी मत। माय लेडी एड्रियन, क्या तुम मुझे जानती हो? क्या मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ प्लीज? मुझे लगता है कि अब इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैरिनी, श्योर तुम डिसअपॉइंटेड हुए हो? वो तुम थी। मैं बिलीव नहीं कर सकता, जिस पर्सन से मैं लव करता था वो हर पल मेरे साथ ही थी। बिना मास्क के ये थोड़ा एम्बैरसिंग है। I love you too. क्या तुम मुझसे लव करती हो? Come on, खड़े हो जाओ।
हमारे पास अभी भी काम बचा हुआ है। हाँ, पर पहले मुझे अपनी बैटरी रिचार्ज करने की जरूरत है। There we go, ये पूरा हो गया। हाँ, oh my Alia, ये तो बहुत ही प्रीटी लग रहा है। Sure, मुझे ड्रेस अप करने के लिए थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत नहीं है गर्ल, पर ध्यान देना कि तुम किसी पर गिर ना जाओ क्योंकि ये ड्रेस बहुत लूज है और ये कभी भी गिर सकती है। हाँ, मैं इसके लिए बहुत केयरफुल रहूंगी। लगता है इस बार एड्रियन तुम्हारे प्यार में जरूर गिर जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। रेडी मैरी? ओह वेट, मेरे बाल यहाँ से लूज हो रहे हैं। तुम आगे जाओ, मैं इसे ठीक करके आती हूँ। ऑल राइट, अंदर मिलते हैं। आशा करती हूँ कि आलिया को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। मैरिनेट, आर यू ओके? हाँ मैरिनेट। एड्रियन, मेरी ड्रेस बहुत लूज है, ये कभी भी गिर सकती है, क्या तुम हमें प्लीज कहीं और ले जा सकते हो? ड्रेस गिरने वाली है। मैरिनेट, अब तुम जा सकती हो। ऑल राइट मैरी, इस मैच से बाहर आते हैं। ओह नो, मैं पहुंच नहीं सकती और मेरा दूसरा हाथ मेरी ड्रेस पे है। मैंने पहले से ही इतनी सारी मुसीबत खड़ी करी है, अब मुझे लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। एड्रियन, क्या तुम इससे बात सकते हो प्लीज? मैरिनेट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज एड्रियन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अब यही एक रास्ता है। मैरिनेट, वो कांप रही है, वो पूरे समय से डरी हुई है। और मैं यहाँ डरपोक की तरह बैठा हुआ हूँ, मुझे पहले ही रियलाइज हो जाना चाहिए। मैरिनेट, मैं ऐसे डरपोक की तरह रहा, आई एम सॉरी, चलो मुझे तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने दो। उसके लिए दोबारा से सॉरी मैरिनेट, अब मुझे जाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ तो भूल रही हूँ, समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। मैरिनेट,